हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हनी द रॉकिंग कंपनी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नए स्मार्टफोन्स जो कि इस महीने या तो अगले महीने फरवरी में आ सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला फ़ोन आता है हमारे जियो फोन की तरफ से, जियो फोन 3। हाँ, मैं उसी जियो की बात कर रहा हूँ जिसने 2016 से लेकर 19 तक में अपना पाँव जमा लिया है फ़ोन इंडस्ट्री में। पहले तो ये टेलीकॉम कंपनी में आया, तो वहाँ भी इसने तहलका मचाया, ठीक है। फिर इसने 2017 में अपने जियो फोन 1 को लॉन्च किया 1500 में, फिर 2 को लॉन्च किया, लेकिन अब स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया केवल 4599 रुपए में। तो अगर आप लो बजट स्मार्टफोन चाहते हैं तो आपके लिए ये जियो फोन 3 आ चुका है, आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर के बारे में हम बात कर लें, तो फीचर में सबसे पहले डिस्प्ले आएगा आपको 5.2 इंच, ठीक है। उसके बाद इसने ड्रैगन ऑक्टा कोर 845 का प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा था कि यहाँ भाई ये इंटरनल स्टोरेज 32 GB की देगा आपको, ठीक है भाई। रैम में तो 3 GB और 4 GB दो मॉडल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल्फी कैमरा 8 MP का मिलेगा, ठीक। कुछ कहा नहीं गया है ऐसा, ठीक है। और जो है कि भाई रियर में डबल रियर कैमरा मिलेगा आपको 12 MP और 8 MP का, ठीक है। बैटरी आपको मिलेगी 3800 mAh की, 3800 mAh, ठीक है। और रैम की मैं बात कर ही चुका हूँ, 3 GB और 4 GB। और प्राइस शुरू होगी 4599 से 5500 तक जाएगी। अगर आप इसको जियो के वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो हो सकता है ये 1500 में आपको मिल जाए। और हाँ, एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है जियो की तरफ से कि पुराना फ़ोन दो और नया फ़ोन लो, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट का पहला फ़ोन था। तो अगर आप लो बजट स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप जियो फोन 3 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोन है हमारा लिस्ट में रियलमी की तरफ से, रियलमी A1 3 GB और 2 GB मॉडल भी ये आएगा, ठीक है। तो इसमें रैम मैं बता दूं, इसमें 3 GB और 2 GB रैम मिलेंगी आपको, डबल रियर कैमरे आपको मिल जाएंगे,
13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, ठीक है, वाटर नॉच डिस्प्ले मिलेगा। एंड्रॉइड 8.0 ओरियो मिलेगा इसमें, 8.1 ओरियो। बैटरी मिलेगी 4200 mAh, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीडियाटेक हीलियो P70 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ये फ़ोन हमारे इंडिया में आ जाएगा 30 जनवरी 2019 को, ठीक है। हाँ, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज की मैं बात करूँ तो वो आपको मिलेगा 32 GB, ठीक है। प्राइसिंग आप देखिए, ज़्यादा नहीं है, 6000 से शुरू होगी इसकी प्राइस रियलमी A1 की, और करीब करीब 9000 तक जाएगी बस। सॉरी, करीब करीब 9000 तक प्राइस जाएगी। हाँ, दोनों वेरिएंट अलग अलग प्राइस हो सकता है, लेकिन हाँ 6 से 9 के बीच ही ये फोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा फोन है, अगर आप इसका भी वेट करें तो ये भी एक शानदार बजट फोन हो सकता है, ठीक है। प्रोसेसर भी अच्छा दे रहे हैं इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर तो तीसरी कंपनी जो है हमारे स्मार्टफोन में आ रही है, तीसरी कंपनी है जेंको टिनी T1। ये छोटा सा फीचर फोन है, बहुत ही छोटा फोन है, ये एक उंगली में आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2019 में आएगा, ये एक फीचर फोन है। जी हाँ, डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा 0.49 इंच का, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो 12 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। और नैनो सिम सपोर्ट करेगा, सिंगल सिम नैनो की। ठीक है। और हाँ, USB चार्जिंग पोर्ट सपोर्ट करेगा, ये छोटा है फिर भी बहुत ही छोटा फोन है, लेकिन कमाल का फोन है ये, ठीक है। मैं बात कर लूँ इसमें थोड़ा कि नैनो सिम सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, रैम आपको मिलेगी 32 MB, ठीक है। इंटरनल आपको मिलेगा 32 MB इसमें, ठीक है। अब पूरे फोन का वेट
सब कुछ लेकर ये हो रहा है 13 ग्राम का केवल। हाँ, और इसका रेशियो मैं बता दूँ तो वो 64 से 32 तक जाएगा। ठीक है, छोटा फोन है, एक उंगली बराबर बस। और इसकी कैपेसिटी सुन ले तब लोग, 50 कॉल रख सकता है कॉल लॉग। ठीक है, 50 SMS रख सकता है ये। और बैटरी इसमें 200 mAh की लगेगी। ठीक है, और इसमें एक नया फीचर ऐड किया है कंपनी ने कि भैया 13 तरह की आप वॉइस चेंजर ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी भी अनजान नंबर से कॉल आ जाता है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, उस नंबर से अगर फोन आए तो आप इस ऐप का यूज़ करके उसके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस इंडिया में रखा जा सकता है इसका 2799 रुपये। ठीक है, डिस्प्ले में बता दूं, डिस्प्ले आपको 0.49 इंच का इसमें मिल सकता है जेंको टीनी T1 में। ठीक है, जो कि एक छोटा फोन है, अभी ये लॉन्च कर दिया जाएगा 2019 में। ज़्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन इतना भी कुछ दे रहा है तो बहुत ही शानदार फोन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके और जो हमारा लिस्ट का चौथा फोन है वो है वावे नोवा 4। ठीक है, ये हमारे इंडिया में 12 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तो चीन में लॉन्च कर दिया गया था 4 दिसंबर 2018 को। ठीक है, तो इसका कुछ हम बात कर लेते हैं फीचर के बारे में। फीचर भैया ये 2 मॉडल में आएगा। सबसे पहली बात, ये 2 मॉडल में आने वाला एक शानदार फोन रहेगा और डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच, वो भी HD+। रेशियो की मैं बात करूँ, फुल बॉडी रेशियो, तो वो आपको पड़ेगा 1080 से 2310 पिक्सल। ठीक है, वैसे एक्सपेक्ट रेशियो की मैं बात करूँ तो वो आपको पड़ेगा 19:25:9। ठीक है, और इसमें प्रोसेसर की मैं बात करूं तो हाई सिलिकॉन के 970 SoC यूज़ किया जाएगा। रैम आपकी 8 GB रहेगी इसमें। इंटरनल आपको 128 GB का मिलेगा। बैटरी 3750 mAh की मिलेगी। ठीक है, सेल्फी कैमरा भैया इन डिस्प्ले देगा ये 25 मेगापिक्सल का। ठीक है, कैमरा आपको इसमें ट्रिपल मिल सकती है, ट्रिपल कैमरा 20 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। ठीक है, ट्रिपल रियर कैमरा है। ठीक है, अब ये डबल
नैनो सिम सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड्रॉयड 9.0 पर ये काम करेगा, ठीक है। और इसमें आपको डबल, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भैया इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, तो एक मॉडल में आपको जो रियर कैमरा है वो 48 मेगा पिक्सल का दिया जाएगा, 20 मेगा पिक्सल और 48 मेगा पिक्सल और 2 मेगा पिक्सल। और जो बेस मॉडल है, टॉप मॉडल था ये, और बेस मॉडल में आपको मिलेगा 20 मेगा पिक्सल, 16 मेगा पिक्सल और 2 मेगा पिक्सल, ठीक है। बाकी फीचर सेम रहेंगे। और प्राइस में बात कर लूँ तो 2100 का दोनों मॉडल में अंतर रहेगा। जो टॉप मॉडल है वो 35,300 रुपये का रहेगा और जो बेस मॉडल है वो रहेगा 32,200 रुपये का, ठीक है। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, फेस अनलॉक मिल सकता है, ठीक है। फुल बॉडी रेस्क्यू की मैं बात करूँ तो वो 86.3 रहेगा और 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। जो हमारी लिस्ट में अगला फोन आने वाला है वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग A8s गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी A8s। भाई डिस्प्ले इसमें आपको मिल रहा है 6.4 इंच और रेशियो आपको मिलेगा 1080 से 2340 तक, ठीक है। एंड्रॉयड 8.0 और जो मिलेगा, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। रैम आपकी 6 GB मिलेगी इसमें, ठीक है। और मैं बात करूं तो इंटरनल मिलेगा आपको 128 GB। सेल्फी कैमरा 24 मेगा पिक्सल का मिल रहा है, ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा इसमें आपको 24 मेगा पिक्सल और 10 मेगा पिक्सल और 5 मेगा पिक्सल। बैटरी आपकी वही 3400 mAh की मिलेगी, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा 30,490 रुपये थोड़ा सा ओवर प्राइस है, तो जिसका भी बजट 20-30,000 तक तो वो ये फोन ले सकता है। और ये फिलहाल आने वाला है 23 जनवरी 2019 को, ठीक है। अगला फोन आता है हमारे लेनेवो की तरफ से, लेनेवो J5S, ठीक है। लेनेवो जिससे मोटोरोला को खरीदा, ठीक है। लेनेवो अपने फोन के लिए बड़ा फेमस है, इसने भी 2019 में लॉन्च किया है J5S को लेनेवो। तो डिस्प्ले इसमें मिल रहा है आपको 5.98 इंच का, ठीक है। रेस्क्यू की मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा 19.9 का,
ठीक है, और स्क्रीन रेट मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा 1920 से 1080 तक, और वोल्टेज 710 का प्रोसेसर मिल रहा है इसमें। रैम आपको मिलेगी 6 GB रैम आपकी रहेगी, और इंटरनल आपकी मिल रही है 128 GB इंटरनल, और डबल रियर कैमरा आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा 20 MP और 16 MP। सेल्फी आपका मिलेगा वही 24 MP, ठीक है, और बैटरी इसमें आपको मिल रही है 5000 mAh। प्राइस भैया इतना अच्छा है कि आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, केवल 7000 रुपये, सिर्फ 6999 रुपये मतलब, ठीक है। अब अगली जो कंपनी है वो हमें इंडिया में बिल्कुल नई कंपनी कहा जाए तो मोबाइल स्टार X1 वॉच, ठीक है, ये कंपनी तो इसने अपना पहला तो नहीं करीब करीब दूसरा प्रोडक्ट उतारा है इंडिया में, और हाँ ये 2 GB RAM और 3 GB RAM पर आएगा, दो मॉडल में आएगा ये। तो रैम जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ 2 GB RAM और 3 GB RAM, इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा 16 GB और 32 GB, और डिस्प्ले आपका मिलेगा 5.7 इंच, ठीक है, एंड्रॉइड 9.5 में ही चलेगा, और प्रोसेसर की मैं बात करूं तो वो ऑक्टा कोर का मिलेगा, सेल्फी 13 MP की मिलेगी, पीछे भी 13 MP की का दो कैमरा मिल सकता है, क्योंकि डबल रियर कैमरा का कैमरे का चलन है कहा जाए तो ट्रेंड है आजकल, ठीक है। बैटरी आपको मिलेगी 3020 mAh की, और फेस अनलॉक आपको मिल सकता है इसमें, मिलेगा वैसे। प्राइस भैया जो 2 GB वाला है उस मॉडल की प्राइस है 8499 रुपये, जो 3 GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 9499 रुपये, ठीक है। ये फोन भी सस्ता फोन है, भाई नेक्स्ट फोन आता है हमारे लिस्ट में ओप्पो की तरफ से, ओप्पो R1 7 Neo, जो कि 19 फरवरी को आएगा, ठीक है, इंडिया में। नियो में होंडा ग्रीन नियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नियो सीरीज ओप्पो वाले ने भी शुरू की है। डिस्प्ले आपको इसमें मिल सकता है 6.4 इंच का, ठीक है, अगर ये दो मॉडल में आ सकता है। स्नैपड्रैगन 660 का मिलेगा, रैम आपको 4 GB की मिलेगी, और रेस्क्यू आपका 1080 से 2340 तक मिलेगा। सेल्फी कैमरा 25 MP का मिलेगा, ठीक है, डबल रियर कैमरा आपको मिलेगा 16 MP प्लस 2 MP,
बैटरी आपको 3600 mAh की मिलेगी, इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 128 GB। और भैया ये मोबाइल जो है ओप्पो ने पहले जापान में लॉन्च किया है, तो जापान में तो इसकी प्राइस है 25,500 रुपये, ठीक है। लेकिन इंडियन में जो इंडिया में प्राइस होगी इसकी, वो प्राइस होगी 24,990 रुपये, ठीक है। तो अगर आप कोई नया फोन चाहते हैं तो इस फोन में जा सकते हैं। वैसे अब नेक्स्ट फोन, हाँ 3600 mAh की बैटरी मिल रही है इसमें। नेक्स्ट फोन आता है ऑनर 8X Max, ऑनर की तरफ से 12 फरवरी को ये भी आ जाएगा। तो डिस्प्ले इसमें 7.2 इंच का मिलेगा, वैसे 7.12 इंच का भी मिल सकता है। डबल रियर कैमरा इसमें भी आपको देखे मिल सकता है, 16 MP और 2 MP। सेल्फी में आपको या तो 20 MP का मिलेगा सेल्फी कैमरा एक, या तो 8 MP का मिलेगा। वैसे दो मॉडल में आने वाला है, तो हो सकता है दोनों मॉडल के अलग अलग कैमरे और फीचर हों, ठीक है। बैटरी आपको 5000 mAh की दी जाएगी, एंड्रॉयड 8.1 से ये काम करेगा, ठीक है। और इसकी प्राइस मैं बता दूँ, चाइना में तो है भाई जो 4 GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 15,999 रुपये, और जो 6 GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 18,999 रुपये। स्नैपड्रैगन 636 का, ठीक है। चेप्टी आपको मिलेगा 1080 से 2240 तक, ठीक है। और इंडिया में इसका प्राइस हो सकता है 15,790 रुपये, तो 20,000 के अंदर ही आने वाला है ये फोन, ठीक है। 5000 mAh की बैटरी दे रहा है। हमारे लिस्ट का अगला फोन है हुवावे की तरफ से, हुवावे Y7 Pro। तो इसके भाई डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है 6.26 इंच का, स्नैपड्रैगन 450 का मिलेगा, जो परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा बनाएगा, ठीक है। रेस्क्यू आपको मिलेगा 19.5:9 का, ठीक है। इसमें एड्रेनो नई चीज आपको देखने को मिलेगी, एड्रेनो 506 GPU के साथ मिलेगा इसमें, ठीक है। सेल्फी कैमरा 16 MP का मिलेगा, और डबल रियर कैमरा आपको इसमें भी मिल सकता है 13 MP और 2 MP। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 से ये काम करेगा, रैम आपकी 3 GB रहेगी, ठीक है। इंटरनल इसमें रहेगा 32 GB, ठीक है। बैटरी इसमें रहेगी 4000 mAh, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूँ प्राइस,
प्राइस भैया इसकी शुरू स्टार्टिंग प्राइस होगी 11,990 रुपये की। अब हमारी लिस्ट का सबसे या तो कहें कि लास्ट फोन आने वाला है वीवो Y91, ये भी हमें इंडिया में आ जाएगा। डिस्प्ले चीज मिलेगा 6.22 इंच, रेस्क्यू मिलेगा 19:9 का, ठीक है। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 मिलेगा। हाँ, प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा MediaTek Helio P22 और रैम आपको मिलेगी 2 GB। इंटरनल स्टोरेज की मैं बात करूँ तो वो रहेगी 32 GB, ठीक है। डबल रियर कैमरा ज़्यादातर मिलेगा हर फोन में आपको, 13 MP और 2 MP। सेल्फी कैमरा मिलेगा 8 MP का और बैटरी लाइफ इसकी रहेगी 4,000 mAh। और हाँ, इसकी प्राइसिंग है 10,990 रुपये।